नमस्कार दोस्तों, मैं ओमप्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेकर चलते हैं वृंदावन की ओर। वृंदावन उत्तर प्रदेश में 23 अप्रैल 2023 को आयोजित अपने छठे स्थापना दिवस में भारतीय पेंशन मंच के महासचिव श्री वीरेंद्र सिंह यादव ने घोषणा की कि यदि सरकार पेंशनधारियों की समस्याओं को लेकर कोई सकारात्मक विचार लोकसभा चुनाव 2024 से पहले नहीं करती तो मंच मजबूर होकर भारत सरकार के खिलाफ दिल्ली में एक जोरदार आंदोलन करेगा। श्री यादव ने बताया कि भारतीय पेंशन मंच एक राष्ट्रवादी पेंशनधारियों का अखिल भारतीय स्तर का संगठन है, जो सरकारी सेवाओं से निवृत्त पेंशनधारियों वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए पिछले 5 वर्षों से संघर्षरत है। संगठन की शुरुआत 10 सदस्यों से देश की राजधानी दिल्ली में की गई थी, लेकिन आज देश के 19 प्रांतों में हजारों सदस्य हैं। उन्होंने पेंशनधारियों की मूलभूत समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन कोई उपहार नहीं है, बल्कि यह सेवाकाल के दौरान कर्मचारियों के द्वारा किए गए कठोर परिश्रम का प्रतिफल है। एक तरह से यह बुढ़ापे में उनका आर्थिक रूप से सुरक्षा कवच है। यह पेंशन सेवाकाल में मिले उनके वेतन पर निर्धारित की जाती है, जिस वेतन पर वह आयकर पहले ही दे चुके होते हैं, फिर भी उनकी पेंशन पर आयकर लगाया जाता है। दूसरी तरफ विधायकों, सांसदों और निगम पार्षदों को मिलने वाली पेंशन पर कोई आयकर नहीं लगाया जाता। इस तरह का भेदभाव क्यों? वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराए में मिल रही छूट को कोरोना महामारी के दौरान बंद कर दिया गया, जो कि न्याय संगत नहीं है, जबकि सांसदों, विधायकों व अन्य वर्ग के यह रियायत जारी है। कोरोना काल में सेवारत कर्मचारियों व पेंशनभोगियों को 18% महंगाई भत्ता रोक दिया गया। स्थिति सामान्य होने के उपरांत भी रोके गए महंगाई भत्ते का भुगतान अभी तक लंबित है, जबकि सरकार अपने खर्चों में कोई भी कटौती नहीं कर रही। इसके अलावा भी अन्य कई मुद्दे हैं जिनको मंच समय समय पर उठाता रहता है, लेकिन सरकार ने उन सभी मुद्दों को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। पेंशन भोगियों के प्रति सरकार का यह उपेक्षापूर्ण रवैया अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। इसलिए मंच ने यह निर्णय लिया है कि यदि सरकार ने 2024 से पूर्व इस संबंध में कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो मंच भारत सरकार के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। भगवान श्री कृष्ण की इस पावन नगरी में आयोजित समारोह में देश के 10 प्रांतों से सैकड़ों से अधिक भागीदारी निभाई। मंच ने इस बार 70 वर्ष से अधिक आयु के अपने सदस्यों को विशेष रूप से पेंशन रत्न सम्मान 2023 से सम्मानित किया। इसके अलावा मंच के लिए विशेष योगदान देने वाले सदस्यों को भी सम्मानित किया गया। उक्त जानकारी श्री विनोद पराशर द्वारा प्राप्त हुई है। दोस्तों, यह वीडियो, ये जानकारी आपको कैसी लग रही है, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार है। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।